और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऋतु वहारी ने शपथ ले ली है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई है। राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे। और ऋतु वहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश भी रह चुकी हैं वहारी। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुकी ऋतु वहारी ने चीफ जस्टिस की आज शपथ ली। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई है। राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे। ऋतु वहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश भी रह चुकी हैं वहारी। और चीफ जस्टिस ऋतु वहारी ने शपथ ले ली है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं नेटवर्क 10 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में ऋतु वहारी ने ये शपथ ग्रहण की। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुकी हैं ऋतु वहारी और चीफ जस्टिस ऋतु वहारी ने शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। राजभवन देहरादून में हुआ था शपथ ग्रहण समारोह और शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे। ऋतु वहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश भी रह चुकी हैं ऋतु। तो चीफ जस्टिस ऋतु वहारी ने शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। राजभवन देहरादून में यह पूरा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी भी मौजूद रहे।